तो दोस्तों आज की इस वीडियो से बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। कुछ जो स्मार्टफोन्स से वो लॉन्च होने वाले हैं, इनके लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फाइनली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी फर्स्ट कार जो है वो परचेज कर ली है और उसका जो ब्लॉग वीडियो है वो हमारे दूसरे चैनल पर आ चुका है। मैंने एक नई कार परचेज की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के चैनल पर वीडियो देख लीजिए। लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे दूसरे चैनल में पहुंच जाएंगे और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैंने जो कार वगैरह ली है यार आपके सपोर्ट की वजह से ही है और मैं सभी लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो निकल करके आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 17 अप्रैल को अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जो कि उनका एक सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में बात करूं तो डिजाइनिंग यार आपको एक बजट स्मार्टफोन जैसी देखने को मिलेगी और यहां पर आपको बैक पैनल पे ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक सस्ता 5G प्रोसेसर है। यह सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है। 6.6 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। LCD डिस्प्ले पैनल है, AMOLED एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। 6000mAh की बैटरी होने वाली है। 25W का चार्जर यहां पर सैमसंग ने प्रोवाइड किया है। 50MP का मेन कैमरा, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 1 UI 5 के साथ में स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। प्राइस जो है वो 12,000 से 13,000 रुपए होने वाली है स्मार्टफोन की इंडिया में इसके बेस वेरिएंट के लिए। तो स्मार्टफोन जो है वो 17 अप्रैल को आ रहा है। जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगला स्मार्टफोन निकल कर आता है वीवो की तरफ से। वीवो अपनी वीवो V29 सीरीज के स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है इनमें आपको 2-3 ही वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, वीवो V29, वीवो V29 प्रो, वीवो V29 लाइट। और यहां पर वीवो V29 सीरीज के जो स्मार्टफोन होंगे इनमें आपको 64MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। ये चीज यहां पर कंफर्म हो चुकी है। हालांकि ज्यादा फीचर्स नहीं है स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन Vivo V29 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। जैसे स्मार्टफोन के लॉन्च वगैरह के बारे में डिटेल आएगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगला जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है वो लॉन्च होने वाला है, बल्कि लॉन्च हो चुका है ओप्पो की तरफ से। और ओप्पो ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ओप्पो A1 5G। स्मार्टफोन की डिजाइनिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। फ्रंट के साइड में हल्के बेजल के साथ में सेंटर पंचो डिस्प्ले डिजाइन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है। बैक पैनल पे जो कैमरे का लेआउट है वो भी काफी अच्छा दिया गया है। आपको इस स्मार्टफोन में 6.72 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में LCD डिस्प्ले पैनल यूज किया गया है। आपको अगर बात करूं प्रोसेसर के बारे में तो Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर दिया गया है। 50MP का प्लस 2MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए। 5000mAh की बैटरी, 67W का चार्जर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो बताया जा रहा है कि इंडिया में कुछ यहां पर हमें 20,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये जो स्मार्टफोन है वो चाइना में लॉन्च किया गया है, वहां पर इसकी जो प्राइस है वो लगभग 23,000 रुपए निकल करके आती है अगर उस प्राइस को हम इंडिया प्राइस से कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ स्मार्टफोन दोस्तों जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाले, कुछ स्मार्टफोन बाहर की कंट्रीज में लॉन्च हो चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है इन सभी स्मार्टफोन्स के बारे में? आपको इसमें से कौन सा स्मार्टफोन काफी बेटर लगा? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और हां, व्लॉग वाली वीडियो देखना भी मत भूलना।